तुलसीदास ने स्त्रियों के बारे में कही है ये पांच सबसे गोपनीय बातें आपको भी नहीं पता होगी। तुलसीदास को इतिहास के महान कवियों में से एक माना जाता है। इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से जिंदगी के कई कठिन कामों के राज खोले हैं और लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाया है। ठीक उसी तरह तुलसीदास जी ने स्त्रियों के बारे में भी कई ऐसी बातें कही हैं जो मनुष्य के जीवन में काफी अधिक महत्व रखती है। आज हम आपको तुलसीदास के उन दोहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें उन्होंने स्त्रियों का उल्लेख किया है और उनके बारे में अपने विचार रखे हैं। आइए जाने हैं इस बारे में। तुलसी देखे सुबेश भूल है मूड़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु वचन सुद्धा सम असन अही। तुलसीदास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से कहा है कि सुंदर स्त्री को देखकर हर पुरुष उस पर मोहित हो जाता है, यहाँ तक कि समझदार व्यक्ति भी सुंदर स्त्री के मुँह में आकर सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने लगते हैं। मोर भी सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके रूप को देखकर सब उस पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब वह सांप आता है तो सबका भ्रम टूट जाता है। इसलिए कभी किसी की खूबसूरती के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि मनुष्यों के गुणों की कदर करनी चाहिए। जननी समझाने पर नारी, तिन है के मनसूब सदन तुम्हारे। तुलसीदास जी इस दोहे के जरिए कहना चाहते हैं कि जो पुरुष अपनी स्त्री और माँ के अलावा बाकी सभी स्त्रियों को बहन और माँ का दर्जा देते हैं उनके हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। ऐसे मनुष्य बेहद पवित्र और सच्चे होते हैं और स्त्रियों की इज्जत करना उन्हें अच्छे से आता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल पर खिये चारी। तुलसीदास जी ने इस दोहे में कहा है कि अपने जीवन में धीरज धर्म मित्र और पत्नी की परीक्षा मुश्किल समय में कर लेनी चाहिए। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। सचिव बैर गुरुवार तीन जो प्रिय बोल है भय आस, राज धर्म तंती ने कर हो बेग ही नास। इस दोहे में तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि गुरुवार राजनेता और वैद्य यदि अपने किसी स्वार्थ के कारण दूसरों से काफी प्यार से पेश आते हैं तो इनके पद का जल्द ही विनाश हो जाता है। तुलसीदास जी साफ रूप से यह कहना चाहते हैं कि किसी पद पर रहते हुए केवल अपने बारे में सोचना ही सही नहीं है, इससे सत्ता आपके हाथ से छिन सकती है।